और यहाँ पे पूरी थाली के बराबर एक पुल का तेरे मुंह से भी बड़ा होना है तो पूरी पूरी सी इतने बड़े बड़े कंटेनर। इस रोड पे भाई इतने जंप है ना, जंप जंप मार आ रहे। देखिए गड्डी के क्या हाल हो गए है। तो ये भाई एक्सप्रेस आज देखते हैं जरा इसको भी ट्राई करके कैसा है और कितना समय बचाता है और कितने पैसे लगाता है। हाँ जी गुड मॉर्निंग है जी। अभी तो 11:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं कोटा से पहले और 60 किलोमीटर पहले भाई कोटा से हाँ लगा रहे भाई गाड़ी और आज का व्लॉग करेंगे यहीं से स्टार्ट। सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। जैसे कि आपने आप लोगों को पता ही भाई हम निकले हैं भाई संतरा लेके कहाँ से अपने वरुड़ से अपने टोहाना के लिए। सो आज है उसका भाई day 2 और अभी सुबह के 11:30 भाई कल पूरी रात ड्राइव करके 1 घंटे सो के भाई रास्ते में। अब मैं सो गया था रास्ते में 1 घंटे सुबह 4 से 5 शायद हाँ। फिर चाय वगैरह भी पी थी उसके बाद निकले थे दोबारा से। सो हमने भाई अभी तकरीबन कर लिया भाई 550-600 किलोमीटर होने वाला है टांगे कड़की है। तो पैर तो ठीक ही है, हल्के हल्के गर्म हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है तो ठीक ही लग रहे हैं। बाकी रस्सा वगैरह तो टाइट ही है। दिखाओगे मोटरसाइकिल का आयल मिलाता हूँ मैं, नई बाइसिल लाता हूँ। बाइसिल है ना इसमें भी? अरे वही है यार। कर दो फिर तो बोलना मजा थोड़ी आराम कोई नहीं करना भाई सो जाते ढंग से करना बढ़िया। बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। करवाई तो थी हमने, खूब गाड़ी आती है यार। करवाई तो थी हमने परसों पर, चलो कर दो आप। ठीक है टायर तो सारे गर्म एक बराबर है। ऐसा करते भाई पहले खा लेते भाई खाना क्योंकि भूख लग रही यार बहुत ना, तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं नहाने का। थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगा उसके बाद जैसे ही उठूँगा वैसे ही नहाऊँगा और उसके बाद वैसे ही फ्रेश होके चलेंगे भाई। पहले तो खाना खा लेते हैं नहाने के लिए। उधर है पर लगाया हुआ इन्होंने, देखिए टायर हो गए क्या हाल हुए हुए। देखे उफ बुरे हाल है टायर हो गए, देखिए जैसे टिप्परों में नहीं होते हमारे टायर। राजस्थानी स्टाइल की खाना खाएंगे आज जी। और यहाँ पे पूरी थाली के बराबर एक पुल का तेरे मुँह से भी बड़ा होना है तो भाई साहब कितना बड़ा है ये पूरी थाली है भाई। थाली इतनी बड़ी रोटी, जितनी बड़ी ये थाली है ना उतनी बड़ी रोटी भाई कसम से यार बहुत बड़ी बड़ी रोटी थी भाई। हमारा तो एक एक ही खाएगी, एक एक डेढ़ डेढ़ बस कितने खाए इतनी बड़ी रोटी। चलो जी चलिए जय माता दी। सफ़र करिए भाई स्टार्ट, अभी काफ़ी सफ़र है 700-750 किलोमीटर है। चाबी कहाँ? ये मैं थोड़ा सा लेट ही कर रहा हूँ व्लॉग शुरू क्योंकि भाई देखेंगे आज नए रास्ते से भी जा रहे हैं दिल्ली बॉम्बे वाले से और जो धुंध है भाई वो भी मैं इस व्लॉग को तो एंड करूँगा जब वहाँ पे पहुँचेंगे तभी एंड करूँगा। बाकी धुंध दिखानी आपको कैसी पड़ रही है हमारे इलाके में भाई, धुंध बहुत ख़तरनाक वाली पड़ रही है। सो बस बीच के क्लिप मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, बाकी बने रहे व्लॉग में। चलो ये अभी तेल भी डीजल भी पाना और डीजल में बताता हूँ आपको कितना खाया गाड़ी ने कितना क्या किया। एक बार पेट्रोल पम्प पर पहुँचते ना फिर बताता हूँ आपको कितना खाया डीजल। यहाँ से 60 किलोमीटर है कोटा और उसके बाद लाल सॉट को मुड़ना हमने, बस वही है सफ़र। उसके बाद तो जब तक एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे फिर तो इतना सफ़र है नहीं भाई। चलो ये डीजल फिल भी करवाना है क्योंकि अभी डीजल भी आ ही गया है। मैं बताता हूँ आपको कितने किलोमीटर चली गाड़ी। कोटा रह गया है 54 किलोमीटर और रोड हो चुका है ख़राब। क्या सिंगल जहाँ रोड चलेगा अभी यहाँ कैसे जाती गाड़ी है पूरी सी इतने बड़े बड़े कंटेनर। पुलिस वाले आके
आ चुका है अपना भारत का मजेदार पेट्रोल पंप। देखते हैं जरा क्या रेट चला हुआ है। 10,000 का तेल पा लेते हैं। मैं अभी बताता हूँ आप लोगों की कितनी चली हमारी गाड़ी। 89.95 है भाई यहाँ पर। तो हमारी गाड़ी ना भाई, वैसे तो हमारी गाड़ी चलनी थी 700-800 किलोमीटर चल पड़नी थी अभी गाड़ी, लेकिन अब उसमें पर एक्सप्रेस में मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ उसमें, है कि नहीं है अपना जो पेट्रोल पंप है उसमें, मेरे को नहीं पता भाई है कि नहीं। तो यहीं बाल के चलते हैं। तो इसमें आ जाएगा 110 लीटर आ जाएगा। तो भाई गाड़ी फिर से हो चुकी है उतनी, इस तेल में तो पहुंच जाएगी गाड़ी। और हमारी गाड़ी भाई चली अपने 600 किलोमीटर होगी यहाँ तक, मतलब पूरी 600 किलोमीटर होगी, और भी 200-250 किलोमीटर चल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं यहीं पा रहते तेल, फिर आगे शूट ही रखेंगे गाड़ी प्रोग्राम की। भाई 1:50 हो गया, ठीक है चलो जी निकलते भाई। ये पहुंच गए हम कोटा के लिए, ये चले गया भाई सीधा ही अंदर बस कोटा सिटी के लिए। और ये जो फ्लाई ओवर है ये बाईपास है, कोटा बाईपास। ये इधर को बोरा निकल जाता है आगे को, बारो बोरा जो भी है। और हमने मुड़ना है यहाँ से लेफ्ट भाई, हमने जाना अभी हिंडोली को। हम पहुंच गए हैं अपना बूंदी, और बूंदी के पास आती है भाई, क्या खूबसूरत जगह भाई, देखो सही भाई पहाड़ी पहाड़ और टनल के, वो दिख रही टनल आपको, वहां से जाएंगे अभी हम, सारे में पहाड़ी पहाड़ है भाई। बीच में ना यार रोड बहुत खराब है यार, पता नहीं क्या किया है उन्होंने, मतलब तगड़ी इंजीनियर है यहाँ पे कोई, देखी क्या है ऐसे करते हैं ठीक, देखी बेकार चीज की भी। सवाई माधोपुर का बोर्ड 121, सवाई माधोपुर यहाँ से 121 किलोमीटर है अभी, तो वहाँ को भी कम से कम 3 घंटे लग जाने पहुँचने को, उसके बाद चढ़ेंगे कहीं एक्सप्रेस में। पता नहीं भाई यहाँ से ठीक रहेगा कि नहीं, देखते हैं, बचने तो चाहिए वैसे भाई, समय बचता है यहाँ से बहुत ज़्यादा। लाल सॉट गंगापुर सिटी और करौली, अभी यहाँ से भाई 121 किलोमीटर है, कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे। तो देखते टाइम बचता है कि नहीं बचता है, देखते क्या इस रोड पे भाई इतने जंप है ना, जंप मार आ रहे, देखिए गड्डी के क्या हाल हो गए बेचारी के, एक साइड कोई बैठ गई है, रोड ही ऐसा है भाई जंप ही नहीं मुक रहे इसमें, ये क्या हो गया पहले को खतरनाक ही जंप ही जंप है भाई इसमें। अभी बोल रहे थोड़ा सा ये, उसके बाद तो हो जाएगा बढ़िया आ जाएगा आगे, मतलब उसके बाद तो 4 लाइन आ जाएगा। चलो जी पहुंच ही गए हैं हम कहाँ पे, एक्सप्रेस से थोड़ा सा पीछे 1 किलोमीटर, और टायर वगैरह चेक करते हैं। मैं कहा यार बहुत देर से चलाई हुई हमने गाड़ी ऐसी, उस गंदी हुई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा भयंकर। एक्सप्रेस वे दिल्ली वाला, चलो टायर वगैरह तो कर रहा है चेक, मैं चाय बोल जाता हूँ तब तक, यार चाय पीते ठीक ही है। बस मिल गई भाई हमारे को यहाँ चाय पानी मिल गया, पैर भी धो ही लिया ऐसे बेकार देना हुए हुए। और गड्डियों की हाइट देखो तुम्हें, वीडियो भी मिल जाएगी उस्ताद जी, जो फ्री हो जाएंगे आप थोड़ी देर। सो ये गाड़ी भाई बैक साइड जो लगी हुई, इसको भी 7 महीने हुए, तो इनसे पूछ रहा था मैं, ये भी ऐसी बोरे भाई की इसमें भी वैसी आवाज़ आती है डबल टॉप में जैसे हमारी आ रही है, मैं पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, ये अजीब अजीब सी। ये भी अच्छी बनाई हुई गाड़ी। चलो जी जय माता दी, धूप बत्ती हो चुकी है अपनी, और
और अब चलते हैं, अब नहीं रुकना हमने कहीं पे भी भाई। तो भाई ये मुड़ रहा है रास्ता कहाँ के लिए, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे के लिए। यहाँ से मुड़ जाएंगे हम लाल सॉट के लिए। कुशलता टोल प्लाजा आपका स्वागत करता है। तो ये है भाई एक्सप्रेस, आज देखते हैं जरा इसको भी ट्राई करके कैसा है और कितना समय बचाता है और कितने पैसे लगाता है। भाई साहब ये तो रनवे नहीं होता, ये तो मस्त है भाई बनाया हुआ। चलो देखते हैं जरा अभी कितने किलोमीटर है, 1750 किलोमीटर है पूरे, और जब उतरेंगे तब कितने होंगे फिर देखते कितना किलोमीटर का बन चुका है ये। लिखा हुआ तो है इसमें कुछ, दिल्ली भाई यहाँ से 340 किलोमीटर है। डोंट नेशनल एक्सप्रेस पे गंदगी ना फैलाएं। 1 2 3 4 4 8 लाइन है भाई, 8 लाइन एक्सप्रेस वे। स्पीड रहेगी यही अपनी 70 की, माइलेज देखते हैं जरा बढ़ती है, 6.1 दिखा रही है अभी। फाइनली मैं आप लोगों को एक बार रूट समझा देता हूँ, हम चले थे देखो सवाई माधोपुर से, NH4 है भाई इसका नाम, जो दिल्ली वडोदरा बॉम्बे एक्सप्रेस वे है ठीक है, और सवाई माधोपुर से सीधा भाई अपने रैनी होके लक्ष्मणगढ़ के बाहर से ये रोड है, बिल्कुल शूट है भाई, सीधा जैसा दिख रहा है वैसे का वैसा ही है भाई, और सीधा उतारता है भाई अपने पलवल एक्सप्रेस वे पे। सो ये अप्रोक्सीमेटली पड़ गया मेरे को 30-40 किलोमीटर है, पर इसलिए यहाँ तक और अभी तक हमने एक स्टॉपेज किया सिर्फ वो भी टायर वगैरह देखे, तो बाकी भाई स्पीड देख लो आप इतनी थी। मैंने मतलब क्रूज कंट्रोल चलाया मैंने पहली बार, घास तक नहीं चलाया भाई, और काफ़ी मजा आया, पर ज़्यादा इसकी आदत भी लगानी पड़ती क्रूज कंट्रोल की ठीक है। तो पलवल कुंडली वाला कट आ चुका है, अब हमने इसमें उतर के सीधा KMP पे चढ़ना है ठीक है जी। KMP पे चढ़ चुके हैं और इधर कुछ ज़्यादा ही रश है KMP पे, पर तो बिल्कुल खाली थे रोड, यहाँ को थोड़ा फिर भी रश है, यहाँ को फिर भी रश लग रहा है गाड़ियों का, पर एक तो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है सुनसान बिल्कुल, वहाँ पे नहीं इतना रश बॉम्बे दिल्ली वाले में, इधर पलवेल पे बहुत है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे है हम इस टाइम। 80 किलोमीटर बाद उतरना है नीचे को रोहतक वाले गट पे, देखते हैं चलते हैं धीरे धीरे, अभी धुंध तो पड़ नहीं रही है भाई, अभी बिल्कुल हल्की है धुंध, बिल्कुल ही हल्की है। भाई हम रुके हुए यहाँ पे झज्जर क्रॉस करके, खाना वगैरह खा रहे थे, अब चलते यहाँ से। ओह भाई ठंड, ऐसी ठंड हो रही ना भाई बाहर, खतरनाक वाली ठंड है भाई। ओह चले हैं ठंड ही खतरनाक है, पर शुक्र है कि धुंध नहीं पड़ रही उतनी सोची थी। चलो चलो पहुंचते फटाफट से यार, 150 किलोमीटर है अभी यहाँ से भाई, उतनी धुंध तो नहीं पड़ रही यार जितनी सोची थी, तो चलो बढ़िया हो गया भाई, सफर भी हो रहा है धीरे धीरे, और अब पहुंचते भाई फटाफट से वहाँ पे, अभी रोहतक गए यहाँ से 35 किलोमीटर है, उसके बाद भाई वाया इधर से ही जाऊँगा मैं तो बरवाड़ा होके, क्योंकि थोड़ा सा रोड अजीब सा दिखा रहा है उधर से नरवाना होके। चलो जी चलो आ चुका है, अब गांव का रास्ता आ जाएगा यहाँ से आगे, ये चले गया भाई अपना क्लायत बाईपास बोलते इसको, और जब बॉम्बे जाते हैं इधर से ही सार होके तब यहीं से आते हैं हम, देखो परे से आज पहली बार जाएंगे हम इधर अंदर। चलो चलो उस्ताद जी, चलो 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 भाई, और यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गया हमारे को, 20-21 किलोमीटर रह गया होना, सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे हम, हमारे को बोलता 8-9 बजे तक पहुंच जाना, पहुंच ही गए हम भाई, और सूर्यदेव भी आने वाले, धुंध बहुत कम पड़ी भाई, इतनी भी नहीं पड़ी, मैं बहुत भी नहीं पड़ी, और ठीक ठीक सी थी, मतलब गड्डी तो चल रही थी भाई जैसे अभी है ना, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, वो देखो जैसे वो दिख रहा ना सामने वैसे वैसे ही था रात में, थोड़ा सा क्लोज, और बाकी चलो जी रोड ले जाएगा सीधे हमारे को टोहाना, और
और वहाँ पे खाली करते हैं भाई गाड़ी चल के। व्यू आता है सुबह सुबह, क्या मस्त व्यू आता है। इस बात क्यों बदल दी है रोड ने अपने, उफ कुछ ज्यादा खराब रोड है लेना ऐसे ही ऊपर तक। खुश करने के लिए था रोड थोड़ा सा अच्छा दिया। अन्ना भी जा रहा है कहीं, अन्ना उधर को अन्ना भी जा रहा है कहीं टोहाना को। रोड की तो भाई जी जजे हुई भी जजे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये तो निगुलसरी वाला पॉइंट लग रहा है ना, निगुलसरी वाला पॉइंट लग रहा है। ये पूरी ज्वेलरी निगुलसरी की तरह कटी। इसमें 20 किलोमीटर को तो तब 2-3 घंटे लग जाते, ये ऐसा ही रोड हुआ। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे। सुबह के 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे को सीधा टोहाना से। इतना खराब रोड था ना भाई, बहुत खतरनाक खराब रोड था। चलो हो ही गया भाई, आ ही गया हम। अब देखते हैं कब तक खाली होता है भाई गाड़ी, और करेंगे भी कि नहीं करेंगे आज पता ही नहीं है। पर कच्चा माल तो वैसे हो जाता जल्दी खाली, देखते हैं। अभी बेल्टियाँ वगैरह दी अंदर, रास्ता दरबार खोल लेते भाई फटाफट से, और उसके बाद फिर कहाँ रखी है। टॉयलेट बाथरूम सारा कुछ है, बढ़िया बनाया, बढ़िया है ना यहाँ, यहाँ तो बड़ा मस्त है। फाइनली भाई शाम हो चुकी है इस व्लॉग में दूसरे दिन की, और गाड़ी हो चुकी है भाई खाली। ठीक है गाड़ी तो भाई खाली हो गई थी सुबह ही, और हम भाई सोए हुए थे पूरे दिन। आए भाई वॉशिंग करवाने, वॉशिंग सेंटर ये वाला बंद है यहाँ पे, तो इस वाले पे आज जाएंगे पार। अभी तो यहाँ गाड़ी लगी हुई है, तो थोड़ी देर में इस ब्लॉग को भी करूँगा भाई एंड ही। ठीक है लो जी, हम आए थे गाड़ी धुलाने, और मैंने जैसा कि आपको बताया था तो अपना गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है। और बहुत ही अच्छे बंदे थे भाई जिनसे मैंने वॉशिंग कराई, बहुत ही अच्छे। ठीक है बाकी यार अभी करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। बाकी भाई मैंने रेगुलर वीडियो डालनी थोड़ी सी शुरू की है, और अगर आप लोगों को भाई मेरा कंटेंट पसंद आता है भाई, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। ऐसी थोड़ी थोड़ी कोशिश है भाई कि मैं भी कुछ कर पाऊँ भाई ट्रक लाइन में कुछ आगे। तो बस रोज़ की जो हमारा डेली भाई रूटीन होता है, या जैसे हम गाड़ियाँ कहीं कहाँ से भर रहे हैं कहाँ से है, तो वही अपना कंटेंट है भाई। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में यार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना Punky0916 को। ठीक है बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई ऐसे ही अपने आसपास सफाई रखे, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, देखते रहे भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी मैंने आप लोगों को किराया वगैरह बता दिया होगा, इसका किराया भाई इसका लगा हुआ मुझे 60,000 था इसका किराया लगा हुआ।